दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड और कम समय में आसानी से करना चाहते हैं कोर्स 504 और कोर्स 505 की तैयारी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अनअकैडमी पर जाके सारे ब्लॉग्स देखें। और लेटेस्ट में बता दूं कि कोर्स 504 और 505 का ऑब्जेक्टिव भी यहां पर अब चल रहा है शॉर्ट नोट्स के बाद। तो ऑब्जेक्टिव में यहां पर कोर्स 505 में 5 और नया लेसन डाला गया है। अगर आपने पहले का देख लिया है तो ये 5 नया लेसन देखें, नहीं तो आप सारा लेसन जाके देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5ों नए लेसन का लिंक आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर यहां पर हम करें दोस्तों आपके लेटेस्ट अपडेट की बात, आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो जो 504 505 का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें 2 प्रश्न हम यहां पर आपका लेंगे। पहला, बहुत सारे लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि सर हमें यहां पर इस बार कहां पर किसका सिग्नेचर कराना है, और दूसरा क्वेश्चन, आप किस मीडियम में एग्जाम देंगे। तो जहां तक आपके सिग्नेचर की बात है, तो आपका जो आईडी कार्ड है, जो एनआईएस का आईडी कार्ड है, जिसपे आपने पहले ही अपने प्रिंसिपल से स्टैंप और सिग्नेचर करवा लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर ही कराना है। आपका जो हॉल टिकट आया है उसपे कहीं पर भी कुछ इस बार भी नहीं कराना है। अगर कहीं से खबर मिल रही है तो ये अफवाह है, एनआईएस की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। 3 चीज आपको ले जाना है, जैसा कि आप जानते हैं, एक आपका हॉल टिकट, उसके बाद आपका एनआईएस का आईडी कार्ड, और तीसरा आपका कोई प्रूफ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो आपका आईडी कार्ड है एनआईएस का, उस पर आपके प्रिंसिपल का स्टैंपिंग और सिग्नेचर वो होगा ही पहले से, आपने चूंकि लास्ट बार भी एग्जाम दिया था। हॉल टिकट एज इट इज आपको प्रिंट कर लेना है, और उसके बाद आपका तीसरा जो है आपका जो भी जीरोक्स होगा, आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले लीजिएगा और जीरोक्स भी ले लीजिएगा। तो वो तीनों चीज बस आपको साथ में रखना है, सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड पे आपका प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, बाकी कहीं जगह पे कोई साइन की जरूरत नहीं है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग कंफ्यूजन ना रखें। दूसरा अपडेट है कि जो लोग यहाँ पर मीडियम के बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमारा मीडियम गलत अपडेट हो गया हमारे हॉल टिकट में, या हम किसी और मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, तो कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप कोई भी एग्जाम किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। जो मीडियम आपके जो यहाँ पर है आपके क्वेश्चन पे, मतलब आपके हॉल टिकट पे जो मीडियम है, उसी मीडियम का आपको क्वेश्चन मिलेगा, और साथ ही साथ इंग्लिश का साथ में रहेगा। मतलब 2 मीडियम सबके साथ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी लिया है तो हिंदी इंग्लिश रहेगा, आपने बंगाली लिया है तो बंगाली इंग्लिश रहेगा, आपने उड़िया लिया है तो उड़िया इंग्लिश रहेगा, इस प्रकार से वो रहेगा, है ना। तो आपका जो मतलब अगर आपका कोई दूसरा मीडियम अपडेट हो गया है तो उस मीडियम में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, लेकिन आप जवाब जो है अपने मीडियम किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, जिस भी मीडियम में आप देना चाहें, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार के मीडियम में आप जवाब देंगे उसी प्रकार वही मीडियम आपको आपके ओएमआर सीट पर लिखना पड़ेगा, वो लिख देंगे तो वो कॉपी उस हिसाब से जांच हो जाएगी। आपके हॉल टिकट पे क्या है इससे आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिखना आप जहां भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हॉल टिकट पे उसी मीडियम में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये बात जो एनआईएस की तरफ से। तो ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखें। तो अगर आपको हॉल टिकट में गलत भी मिल गया है तो आपको क्वेश्चन मिलेगा उस मीडियम में, साथ ही साथ इंग्लिश में, और जिन्होंने इंग्लिश भरा है उन्हें सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा, और या शायद उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों का भी मिल सकता है। तो लेकिन जो बाकी हैं वो बाकी लैंग्वेज और इंग्लिश, ये इंग्लिश कॉमन रहेगा सब में, तो उस हिसाब से आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहेंगे दे पाएंगे, तो किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपका एग्जाम हॉल से, हॉल टिकट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग योर ऑनलाइन पार्टनर से जुड़े हैं, कि आप लोग अब यहां पर जो अनअकैडमी पे लगातार ट्रेंडिंग में है, आप देख सकते हैं जो होम पेज है अनअकैडमी का, उसके होम पेज पे आपके दीपक हिमांशु सर का यहां पर नाम आ रहा है, तो आप लगातार यहां पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अनअकैडमी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो थर्ड सेमेस्टर के जो लोग बुक अभी ऑर्डर कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल संडे था तो आज से यहाँ पर वो लोग जो है डिस्पैच करना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया गया था सबमिट करने के बाद लास्ट पेज में, तो वहां से जाके उस मोबाइल पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया है बुक और लेना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि अभी कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, आप बस यहां से ऑर्डर कर सकते हैं सारा डिटेल्स भर के। और उसके बाद यहां पर आपको अभी ऑफर भी चल रहा है कि 506 507, अगर दोनों आप एक साथ लेना चाहते हैं तो 250 में मिल जाएगा। ऐसे सेपरेट लेना है तो आपको 506 का 150 रुपया और 507 का 125 रुपया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे पहुंचेगा उसके बाद आपको कैश ऑन डिलीवरी में आपको पेमेंट करना है। तो इस प्रकार की सुविधा सिर्फ और सिर्फ योर ऑनलाइन पार्टनर के मेंबर के लिए है, और ये हमारे तरफ से जो है ये बुक रिलीज की गई है, बुक स्टोर्स पे भी कई जगह पे आ गई है, अमेजॉन पे भी है, और अमेजॉन पे भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो ये हमारे तरफ से जो ये आपको दिया गया है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सबसे पहला लिंक, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। यही अपडेट था दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।